जय श्री राम। मैं हरिमोहन सोलंकी, अंतिम यात्रा सेवा समाज का चेयरमैन और पाकिस्तान श्री हिंगलाज माता सेवा फाउंडेशन का वाइस चेयरमैन। 14 अगस्त का बहुत ही करीब आ रही है। 14 अगस्त सबसे पहले तो पाकिस्तान में बसने वाले हमारे तमाम पाकिस्तानी भाइयों को 14 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएँ हो और उनको 14 अगस्त की बहुत बहुत मुबारकबाद है। देखें, इस वक्त हमारा मुल्क बहुत सारे क्राइसिस से गुज़र रहा है और हमें ये सोचना चाहिए। हम अक्सर टिकटॉक पे बहुत सारी वीडियोस पे ये देख रहे हैं कि कुछ लोग, कुछ ऐसे अनासर ऐसी बात कर रहे हैं कि इस मुल्क ने हमें क्या दिया। हम ये क्यों भूल जाते हैं कि हमने इस मुल्क को क्या दिया। हमारी हिंदू कम्युनिटी, माइनॉरिटीज़ के जितने भी लोग हैं, उसका बड़ा योगदान है इस प्यारे मुल्क पाकिस्तान के लिए। बहुत सारी बिजनेसमैन कम्युनिटी, बहुत सारे वो गरीब तबकात के लोग जो हमारी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, यानी कि हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है। हमें ये सोचना चाहिए कि इस क्राइसिस से या जिस एक प्रॉब्लम से हमारा मुल्क गुजर रहा है, तो हम इससे कैसे नंबर आजमा हो, हमें इसे कैसे निकालना चाहिए। हर पार्टी, हर सियासतदान अपने तरीके से कोशिश कर रहे हैं, हर इदारे, हर एजेंसी अपने तरीके से कोशिश कर रही है। मैं तमाम पाकिस्तानियों से एक अपील करूंगा और एक रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें भी अपने अपने तरीके से सोचना चाहिए कि इस मुल्क को इस क्राइसिस से कैसे निकाला जाए। 1947 को हमारे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने एक बहुत जद्दोजहद, हमारे लाखों लोगों की कुर्बानियों के बाद इस मुल्क को आज़ाद किया, लेकिन आज हम अपने माशी तौर पर बहुत ही हमारा मुल्क बदहाल है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि हम सबको एक पेज पे होना चाहिए और मैं तमाम हिंदू बरादरी की तरफ से, पाकिस्तान में बसने वाले तमाम मुस्लिम भाई हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, तमाम पाकिस्तानियों को जश्न आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद भी देता हूं और साथ ही ये कहता हूं कि इस मुश्किल घड़ी में हमें कंधे से कंधा मिला के हमें साथ खड़े होना चाहिए। इस वक्त हमें कोई भी रंगो नस्ल से हटकर बात करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारा मुल्क है और अपने मुल्क के लिए कोई भी बात करता है ना तो अच्छी ही बात करता है। मुश्किल में जब हम एक साथ जुड़ेंगे तो हमें कोई हरा नहीं सकता, ये वक्त भी गुजर जाएगा। नमस्कार। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।